क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अब मेरे प्रियो, कलीसिया यीशु मसीह की देह है और हम उस देह के अंग हैं। हमारे काम अलग अलग हैं, कलीसिया के अंदर में अलग अलग काम हैं मेरे प्रियो। जैसे कि कलीसिया के अंदर में जो पासवान होता है उसकी बुलाहट है कि वो कलीसिया के लिए प्रार्थना करे और वचन का प्रचार करे। हाँ, उसी कलीसिया के अंदर में कुछ अगुओं को खड़ा कराया जाता है, जो जो दरी बिछाना, कुर्सी सेट करना, इस प्रकार का सेवकाई में वो लगे रहते हैं। कुछ लोग वर्शिप की सेवकाई में लगे रहते हैं, कुछ लोग बजाने की सेवकाई में लगे रहते हैं, कुछ लोग चर्च मैनेजमेंट की सेवकाई में लगे रहते हैं, कुछ लोग मेरे प्रियो जो चर्च में जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम से कराने की सेवकाई में वो लगे रहते हैं, कुछ लोग मीटिंग कराने के लिए वो मीटिंग कराने की सेवकाई में लगे रहते हैं, कुछ लोगों को दान देने की सेवकाई है वो दान देने की सेवकाई में लगे रहते हैं। सबका काम अलग अलग है मेरे प्रियो, और जो प्रभु ने हमको काम दिया है वो काम ना छोटा होता है और ना बड़ा होता है, वो सेवा सेवा है। याद रखिएगा, प्रभु के नज़र में प्रभु के राज्य में हैं और प्रभु ने अगर हमको कोई सेवकाई दिया, हाँ, अपने अगवे के द्वारा, अपने पासवान के द्वारा, अगर आज प्रभु ने अगर हमको कोई सेवकाई दिया तो वो चाहे वो खिलाने पिलाने की सेवकाई हो, कुर्सी बिछाने की, दरी बिछाने की सेवकाई हो, वो छोटी नहीं है और बड़ी नहीं है। सेवकाई सेवकाई होती है, सेवकाई सेवकाई होती, सेवकाई छोटी नहीं होती, सेवकाई बड़ी नहीं होती है मेरे प्रियो। और आपको मैं एक बात और बता दूं, कभी भी जब हम प्रभु के राज्य में आएंगे तो एक बार में हम स्टेज में नहीं खड़े हो जाते, एक बार में हजारों की भीड़ में नहीं होते। प्रेरित लोग यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक घूमते रहे और क्या सेवा किया इन्होंने, हाँ, रोटी बांटने का, 4,000 लोगों को रोटी बांटा इन्होंने, खाना खिलाने की सेवकाई, 5,000 लोगों को इन्होंने, 5,000 पुरुषों को इन्होंने खाना खिलाया, हाँ, खाने का प्रबंध करते थे यीशु मसीह के लिए, ये सेवकाई किया इन्होंने। प्रेरितों की भी सेवकाई जो थी शुरुआत से, एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी वो बढ़े हैं प्रेरित लोग। प्रेरित लोग भी जब सेवकाई किए तो पहले छोटी सेवकाई, फिर बढ़ते गए, फिर बढ़ते गए। इन्होंने भी खाना बांटने की सेवकाई की, इन्होंने भी लोगों की सुधि लेने की सेवकाई की। छोटी सेवकाई से इनकी भी प्रेरितों की सेवकाई शुरू हुई, धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रेरित परिपक्व होते चले गए उनकी सेवकाई बढ़ती चली गई। आगे 3 वचन, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, यहां पर प्रेरित लोग कह रहे हैं कि कलीसिया के अंदर 7 ऐसे सुनाम लोग जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हैं चुन लो, और इस खिलाने पिलाने की सेवकाई में हम उन्हें नियुक्त कर देंगे। आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य से संबंधित, कलीसिया से संबंधित कोई भी सेवकाई क्यों ना हो, चाहे चर्च के अंदर बाथरूम साफ करने की सेवकाई क्यों ना हो, झाड़ू लगाने की, पोछा लगाने की, चेयर बिछाने की, हाँ, दरी बिछाने की, आपको मैं बता दूं चर्च के अंदर परमेश्वर के राज्य में छोटी से छोटी सेवकाई को करने के लिए एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण होना अनिवार्य है। अगर कलीसिया का कोई भी सेवक अगर वो बुद्धि से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, वो सेवक और वो अगवा इजिली चर्च के अंदर गड़बड़ी कर सकता है। क्या हो रहा था, पहले जो खाना खिलाने की सेवकाई में जो नियुक्त किए गए थे वो लोग गड़बड़ी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे, वो लोग बुद्धि से परिपूर्ण नहीं थे, हाँ, शारीरिक स्वभाव उनके सामने आ गया और क्या करने लगे, गड़बड़ी करने लगे वो लोग सेवकाई में अपनी, हाँ, विधवाओं के साथ में पक्षपात करने लगे वो लोग। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, पहले के जो चुने हुए थे वो लोग ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे ना बुद्धि से परिपूर्ण थे।
इसलिए प्रेरितों ने कहा कि खिलाने पिलाने की सेवकाई में भी जरूरी है कि व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, बुद्धि से भरा हुआ हो, क्योंकि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, बुद्धि से परिपूर्ण, वही व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के योजना के अनुसार सेवा करेगा। और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना क्या है? प्रेम। कोई पक्षपात नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म भाषा का कोई मतभेद नहीं, कुछ भी नहीं। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये स्वभाव है परमेश्वर का मेरे प्रियो, ये परमेश्वर है मेरे प्रियो। और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो व्यक्ति बुद्धि से परिपूर्ण है, भले उसको बाथरूम साफ करने की सेवकाई भी क्यों ना दिया जाए, पूरी ईमानदारी से करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण नहीं है, हाँ, आप उसको बाथरूम साफ करने की सेवकाई दो, पूरी ईमानदारी से वो बाथरूम साफ नहीं करेगा। ऐसा दिखावे के लिए वो कुछ 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 कर देगा, पूरी ईमानदारी से वो चर्च को, वो कुर्सी को अच्छे से साफ नहीं करेगा, अच्छे से वो दरी नहीं बिछाएगा, वो पूरा दिल से सेवा नहीं करेगा, वो दिखावे की सेवा करेगा अपने अगवे को प्रसन्न करने के लिए, मैं थोड़ा कर देता हूँ। लेकिन वो ना अच्छे से कुर्सी साफ करेगा, ना अच्छे से दरी बिछाएगा, ना अच्छे से वो अपनी सेवा को पूरे मन से करेगा, ऐसे ही करेगा, ऐसे ही बेमन से करेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, वो बुद्धि से परिपूर्ण नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर अपनी सेवा नहीं कर रहा, चाहे वो छोटी सेवा हो चाहे वो बड़ी सेवा हो। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे प्रियो, खाना खिलाने के लिए भी सोचिए, एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण होना है। तो सोचिए ना, एक कलीसिया को संभालने के लिए, हाँ हाँ, मतलब पांच प्रकार की सेवकाई करने के लिए एक व्यक्ति को कितना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होगा, कितना बुद्धि से परिपूर्ण होना होगा, सोचिए एक सेवक को। आपको मालूम है आज कई सेवकाई गिर जा रही है, आज कई सेवक जा रहे हैं, कई सेवकाइयां गिर जा रही है। कारण जानते हैं? कारण यह है कि वो प्रार्थना करना भूल गए, वो प्रभु की उपस्थिति में बैठना भूल गए, वो पवित्र आत्मा से भरना प्रतिदिन भूल गए, हाँ, वो प्रतिदिन वचन पढ़कर के बुद्धिमान होना भूल गए, वो सेवकाई में इतने व्यस्त हो गए कि केवल सेवकाई सेवकाई। और बाइबल कब खोलते हैं? जब प्रचार करना है तो प्रचार करने के लिए हम संदेश तैयार करते हैं। कई लोग सिर्फ प्रचार करने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, वो अपने लिए बाइबल नहीं पढ़ते। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बुद्धि से परिपूर्ण कैसे होंगे, क्योंकि वचन हमको बुद्धिमान बनाता है। आप बाइबल ही नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बुद्धिमान हो ही नहीं सकते। आप कितना भी परिश्रम कर लें, कितनी भी सेवकाई कर लें, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपनी सेवकाई में भयंकर गलतियां करेंगे, बहुत मिस्टेक करेंगे, बहुत मिस्टेक होगा आपकी मिनिस्ट्री में। और आप दुखी होंगे इस बात को लेकर के, यार मैं तो करता हूं ना, मेहनत करता हूं, फिर क्यों मेरे से बार बार गलती हो रही है? प्रॉब्लम आप बुद्धि से परिपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते, वचन से आपका संबंध नहीं है। आप हजार मिस्टेक करेंगे अपनी मिनिस्ट्री में। आप दूसरा, आप बोलेंगे, आप कई बार बोलेंगे, यार मैं सेवकाई करता हूं लेकिन मेरी प्रार्थना से लोग चंगे क्यों नहीं होते, हाँ, मेरे प्रार्थना से एक बुखार तक क्यों नहीं उतरता? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। हाँ, आप एक आध साल पहले पवित्र आत्मा से भरे थे, उसके बाद आप पवित्र आत्मा से भरना भूल गए। आपको हर दिन पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी सेवकाई में बड़े बड़े काम हो, मिरेकल्स हो, हाँ, आपकी सेवकाई में लोग उद्धार पाए, जागृति आए, तो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। आज लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवकाई में जागृति नहीं है, उनकी कलीसिया बढ़ नहीं रही है, कोई चंगाई चिन्ह चमत्कार नहीं है, कुछ नहीं है। और कई लोग इस बात से निराश हैं, और कई लोग प्रार्थना करवाने के लिए भी मेरे को फोन करते हैं। कई पासवान हैं, आपको मैं बता दूं कि मेरी सेवकाई नहीं बढ़ रही है, मैं फाइनेंस में नहीं बढ़ रहा हूं, मैं वरदानों में नहीं बढ़ रहा हूं, मेरी कलीसिया नहीं बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, आप बुद्धि से, खुदा के वचन से परिपूर्ण नहीं है, आपको मैं बता दूं, आप अपनी सेवकाई में संघर्ष करेंगे, आप पैसों के लिए संघर्ष करेंगे, आप अपनी कलीसिया चलाने के लिए संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल आपके लाइफ का भाग हो जाएगा। आप बहुत मिस्टेक करेंगे, गलत निर्णय लेंगे अपनी सेवकाइयों में, कई बार आप गलत निर्णय लेंगे,
जिसकी वजह से आपको लज्जित होना पड़ेगा। याद रखिएगा, कोई भी सेवकाई क्यों ना, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट बजाने की सेवकाई हो, चाहे वो आराधना करने की सेवकाई हो, चाहे वो मीडिया की सेवकाई हो, चाहे वो पीए सिस्टम चलाने की सेवकाई हो, चाहे वो दरी बिछाने की सेवकाई हो, कुर्सी बिछाने की सेवकाई हो, चाहे वो पासवान की सेवा हो, चाहे वो पास्टर का बैग उठाने की भी सेवकाई क्यों ना हो, बाथरूम साफ करने की भी सेवकाई क्यों ना हो, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं, आप बुद्धि से परिपूर्ण नहीं हैं, आप अपनी सेवकाई में सफल नहीं हो पाएंगे। आप अपनी मिनिस्ट्री में संघर्ष करते रह जाएंगे। आज कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज कई सेवकों को, कई पासवानों को देख रहा हूं, पैसों के लिए स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। उनकी कलीसिया 10 सालों से 50 की 50 ही है। 10 साल हो गए चर्च चलाते लेकिन आज भी 50 लोग ही बैठते हैं। 10 साल हो गए चर्च चलाते लेकिन आज भी हाउस चर्च में ही है वो। 10 साल हो गए हाउस चर्च में ही है वो। प्रॉब्लम क्या है? वो खुद आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे तो कलीसिया कैसे आत्मिक उन्नति करे? वो खुद वचन में नहीं बढ़ रहे हैं तो वो कलीसिया को कैसे वचन में बढ़ाएंगे? याद रखिएगा, आपको पर डे बाइबल पढ़ के आपको बुद्धि से परिपूर्ण होना है। आपको हर दिन अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना है जिससे आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। हर दिन आपको बुद्धि से प्रार्थना करना है। हर दिन वर्शिप करो, खुदा की प्रेजेंस में बैठो, उपस्थिति में बैठो, क्योंकि जो खुदा की उपस्थिति में बैठता है उसकी सेवकाई में सामर्थ्य के काम होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो प्रभु की उपस्थिति में बैठता है उसकी सेवकाई में सामर्थ्य के काम होते हैं। आप अगर प्रार्थना आपका सही नहीं है, बाइबल पढ़ना सही नहीं है, आपको एक प्रार्थना की सेवकाई भी दी जाएगी, आप प्रार्थना भी करोगे, एक गवाही नहीं आएगी। साल गुजर जाएंगे, एक गवाही तो आ जाएगी आपके प्रार्थना से कोई चंगा हुआ हो। कहां कमी है? कमी आप में है। आपको बुद्धि से परिपूर्ण होना है, आपको आत्मा से परिपूर्ण होना है। आपको समझना पड़ेगा क्यों आपके प्रार्थना में कोई चंगा क्यों नहीं हो रहा। होना चाहिए, टेस्टिमनी आना चाहिए, क्यों नहीं आ रही है? आपको इस चीज के लिए बड़ा गंभीर होना है। आपको आत्मा से परिपूर्ण होना है, आपको बुद्धि से परिपूर्ण होना है। कंप्लीट सेवकाई क्या है? केवल वचन का प्रचार नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप मरकुस 16 अध्याय और उसके 20 वचन को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है कि प्रेरित लोग वचन का प्रचार करते रहे और वचन को दृढ़ करने के लिए यीशु मसीह चेलों के साथ रहकर चंगाई चिन्ह चमत्कार करते थे। वचन को दृढ़ करने के लिए, वचन को दृढ़ करने के लिए। अगर आप बुद्धि से परिपूर्ण हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, आप अपनी सेवकाई में सफल होंगे और आप बढ़ते और बढ़ते और महिमा से महिमा की ओर, आशीष से आशीष की ओर आप बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। एक साल पहले मैं पवित्र आत्मा से भरा था, एक साल पहले मैं 4 घंटे 5 घंटे प्रार्थना करता था, आज आधा घंटा। बाइबल सिर्फ मैं तब पढ़ता हूं जब मेरे को प्रचार करने जाना रहता है, उसके एक दिन पहले बाइबल निकालता। आप अपनी सेवकाई में आप कभी प्रभावशाली मिनिस्ट्री नहीं कर पाएंगे मेरे प्रिय। याद रखिए, अगर खुदा के राज्य में सेवकाई करना है तो उसके लिए एक क्वालिफिकेशन है, और वो क्वालिफिकेशन कोई पढ़ाई नहीं है। वो क्वालिफिकेशन ये है, अगर आप एक सामर्थी सेवकाई करना है, एक सफल सेवकाई करना है, तो उसके लिए एक क्वालिफिकेशन है, और क्वालिफिकेशन ये है कि आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगे? हर दिन अननोन टंग में प्रेयर करो, 2 घंटा 3 घंटा। बाइबल लेकिन ऐसा नहीं कहती, बाइबल तो निरंतर कहती है हर दिन प्रार्थना करो बुद्धि से भी, वर्शिप करो हर दिन स्तुति करो खुदा की, हर दिन बाइबल पढ़ो, तब आप आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएंगे, बुद्धि से परिपूर्ण होते चले जाएंगे, और आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते, सामर्थ्य से सामर्थ्य की ओर, अभिषेक से अभिषेक की ओर, ग्लोरी से ग्लोरी आप बढ़ते चले जाएंगे, आपका मिनिस्ट्री बढ़ता चला जाएगा मेरे प्रियों।